जाओ, मेटावर्स टेक्नोलॉजी बताई जा रही है। मेटावर्स ये शब्द हमारे लिए नया है और इसके पीछे छिपी टेक्नोलॉजी इससे भी ज्यादा। सबसे पहले उदाहरण से समझते हैं कि मेटावर्स है क्या। ये विकास है, इस समय वर्चुअल वर्ल्ड में है। सड़क किनारे घूम रहे विकास को ये बॉटल पसंद आ जाती है। वो डिजिटल करेंसी की मदद से इस बॉटल को खरीद लेते हैं। इस बॉटल की डिलीवरी विकास के रेसिडेंशियल एड्रेस पर होती है, मतलब उन्होंने वर्चुअल शॉपिंग के जरिए रियल शॉपिंग कर ली। विकास ने जो भी एक्सपीरियंस किया ठीक ऐसा ही फेसबुक अपने यूजर्स को महसूस करवाना चाहता है। फेसबुक एक ऐसी ऑनलाइन दुनिया तैयार कर रही है जहाँ लोग वर्चुअल रियलिटी का उपयोग कर वर्चुअल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ले सके। इसके लिए कंपनी ने 10,000 लोगों को हायर कर $50 मिलियन के निवेश की बात भी कही है। फेसबुक ने नाम बदलने का निर्णय मेटावर्स पर फोकस करने के लिए ही किया है। कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग तकनीक की इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहते और एक पैरेंट कंपनी बनाना चाहते हैं। फिलहाल फेसबुक मेटावर्स को बनाने के शुरुआती स्टेज में है। इसे पूरी तरह से विकसित होने में 10 से 15 साल लग सकते हैं। मेटावर्स अलग अलग टेक्नोलॉजी का एक बड़ा सा जाल है जिस पर कई कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं। फेसबुक के अलावा गूगल, एप्पल, स्नैपचैट और एपिक गेम्स वो बड़े नाम हैं जो मेटावर्स पर कई सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन जितना ये वर्चुअल वर्ल्ड देखने में सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। इसमें सबसे बड़ा खतरा होगा प्राइवेसी का। कंपनियों के हाथ में कंट्रोल आने से वो हमारे जीवन, निजी डेटा से लेकर हमारी निजी बातचीत पर कंट्रोल पा सकती हैं। जाते जाते एक रोचक बात बताती हूँ, मेटावर्स ये शब्द आया कहाँ से। इस शब्द और इस दुनिया की खोज सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पहले एक राइटर ने की है। नाम है नील स्टीफेंसन, अमेरिकन ऑथर है। सबसे पहले 1992 में अपनी साइंस फिक्शन नॉवल स्नो क्रैश में उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। नॉवल में वर्चुअल वर्ल्ड में रियल लोगों के अवतार होते हैं, ठीक ऐसा ही मेटावर्स में भी हो रहा है। तो कुछ इस तरह किताबें दुनिया बदल रही हैं और